आज होली का फास्ट है, इसीलिए जो है मैंने येलो साड़ी डाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा हो गई हमारी, अब कर लेते हैं शाम के खाने की तैयारी। मम्मी इतनी तो बात करती हो आप अपनी बड़ी बहू के साथ, प्लानिंग करके साड़ी पहनते हो। ये देखो ये देखिए, वैसे शादी में मैं डाल सकती थी किसी फंक्शन में, उसने कर लिया ना, स्लिम फिट लग गया। ये देखो जी गुलगुले बन गए हैं, कुछ तो बन गए हैं। सारे के सारे हाथ जोड़ो अच्छे से। हाँ, हे होई माता, मेरे बच्चों को खुश रखना और इनको सद्बुद्धि देना। हेलो एवरीवन, हैप्पी होली। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होली का फास्ट है, इसीलिए जो है मैंने येलो साड़ी डाली है, ये देखिए। और हम रेडी हैं, बस पूजा करने ही वाले थे, सोचा अपना व्लॉग स्टार्ट कर दूं। और ये ऊपर से मैंने पहन लिया है पीलिया। पीलिया पहनना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये गर्वित हुआ ना, तब आया था, अनुष्का हुई तब भी आया था, तो ये गर्वित वाला है, ये बहुत लाइट वेट है, तो इसलिए मैंने पहन लिया। तो अब हम कर लेते हैं पूजा की तैयारी। होली अष्टमी भी तकरीबन वैसे ही पूजा होती है जैसे करवा चौथ पे होती है, ऐसे ही होली माता जैसे लेके आते हैं, ऐसे ही चीनी वाली और मिट्टी वाली फिर पूजा करते हैं। बस ये बच्चों की होती है, वो अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए होती है, और ये अपने बच्चों की सलामती के लिए होती है। तो अभी जो है फटाफट से होली माता की पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं ना श्यामा माता पहना रही हूँ, और गर्वित पहनाने नहीं दे रहा, कह रहा मुझे पहनानी है, जिद कर रहा है। तो अभी श्यामा माता पहना दी है सबने। श्यामा माता होली माता को पहना दो या फिर खुद पहन लो, ये अपनी मर्जी होती है। गांव में खुद भी पहन लेते हैं बहुत से लोग, और खुद कोई जो है होली माता को भी पहना देता है। तो बस ये पहना के हम पूजा कर रहे हैं होली माता की। कहानी सुनेंगे, वैसे ही सेम प्रोसेस होता है जैसे जो करवा चौथ का होता है। कहानी सुन के माता का आशीर्वाद लेंगे, अपने बच्चों की सलामती के लिए माता रानी को प्रार्थना करेंगे। इसी के साथ होली का व्रत हम पूरा करेंगे अपना। पूजा करने के बाद अब जल दे रहे हैं सूर्य देवता को, शाम को फिर तारों को देख के अर्घ, फिर हम व्रत खोलेंगे अपना। होली माता में तारों को देते हैं हमारे यहाँ, और जैसे करवा चौथ में चंद्रमा को देते हैं, ऐसे होली माता के व्रत में आप तारों को जल दे के फिर अपना व्रत खोलते हो। हमारे यहाँ ये प्रोसेस होता है। और अब जो है मम्मी से आशीर्वाद लेंगे। लो जी, सबके पैर छूने हैं एक ही बार में, लाओ मम्मी आशीर्वाद दे दो। और अब हमारी फोटो क्लिक करो अच्छी। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा हो गई हमारी, अब कर लेते हैं शाम के खाने की तैयारी। खाने में आज हम बना रहे हैं छोले। छोले मैंने पहले ही बॉईल कर दिए थे, बस इसमें तड़का लगाना है। एक तरफ रख दिए चाय, चाय पी के फिर हम खाना बनाएंगे। और अभी वही उस दिन की तरह थोड़ी बहुत फोटो वगैरह क्लिक करेंगे, मतलब थोड़ी बहुत करिए और थोड़ी और करेंगे, और फिर खाना वाना रेडी करेंगे। ये बन रही है हमारी चाय। जब तक चाय बनती है तब तक हम छोले की तैयारी कर लेते हैं। आज आज ये देखो, दोनों सास बहू मिलके प्लानिंग के साथ इन्होंने सूट डाले हैं। उस दिन साड़ी डाली हुई थी, हमने सूट डाले हुए थे। आज इन्होंने प्लानिंग करी, इन्होंने सूट डाले हैं, और वो भी सेम कलर। और उस दिन हमने सेम कलर डाले हुए थे, मतलब हद है भाई, हद है। मम्मी इतनी तो बात करती हो आप अपनी बड़ी बहू के साथ, प्लानिंग करके साड़ी पहनते हो। दोनों के कलर सेम है, और इन्होंने तो अपनी साड़ी भी चेंज कर लिया, मैं भी कर लेती हूँ। पहले सोचा था एक आध वीडियो बनाती हूँ रील वील पर, नहीं अब ये इतनी भारी है, ये उठ ही नहीं रही, मेरे से काम कैसे होगा। ये खाना बना लो, साड़ी तो जब भी पहन सकते हैं, जब हमें कहीं घूमने फिरने बस मौज करनी है, अभी किचन में खाना बनाना, तो इतनी भारी साड़ी पहन के, कितनी भारी साड़ी पहन के आप खाना नहीं बना सकते हो ढंग से, मतलब परेशानी रहोगे। तो मैं क्योंकि बहुत भारी है, ये इतनी भारी लानी जरूरी थी। अच्छा फिर तो ये कह देती कि इतनी हल्की लानी जरूरी थी, ये क्या? क्योंकि ये साड़ी ना मेरी शादी की है। कितनी पुरानी है ये? 13 साल पुरानी साड़ी है, बट आज भी ऐसी लगती कि अभी खरीदी है। दिखाऊं? ये देखो यार, ये वैसे शादी में मैं डाल सकती थी किसी फंक्शन में। उसने वेट कम कर लिया ना, स्लिम ट्रिम लग रही है। वेट तो कम नहीं हुआ घर मेरा, कम क्यों नहीं आज बोल रही है। सोचा था करूं, पर क्या करूं मम्मी, ये अभी मैं 5-6 दिन से सोन पापड़ी दबा के खा रही हूँ, क्योंकि मैं डब्बे लाई थी ना बहुत सारे, ले 10 डब्बे लाई थी। अरे मैं रोज घर में जो मीठा, 10 डिब्बे खा गई, 10 खाए, एक तो खा ली। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए भैया हमारा तड़का बन रहा है, और इधर जो है ये यहाँ पे गुटाई हो रही है। गुटाई हो रही है, क्या हो रहा है? ये फेटा जा रहा है, ये फेटा जा रहा है। गुलगुले बनेंगे आज होली माता पे, गुलगुले बनते हैं, और बड़े टेस्टी बनाने के लिए बड़े मेहनत करनी पड़ती है, जो कि मेहनत का काम हमारी पूजनीय
जेठानी जी करेंगी, ठीक है आज, क्योंकि गुलगुले जो है ना मम्मी को हमारी बड़ी दीदी के हाथ के ही पसंद है। तो फ्रेंड्स चेंज कर लिया, अब हम हो गए कंफर्टेबल और अब बन रहा है हमारा खाना। ये छोले का तड़का हमारा रेडी हो गया है, टेस्टी छोले खिलाएंगे हम दीदी को और दीदी हमें खिलाएंगी बहुत टेस्टी गुलगुले। ये गुलगुले का बैटर तैयार हो रहा है और क्योंकि ये इसलिए दीदी का काम है गुलगुले बनाने का हमेशा होए पे, क्योंकि मम्मी को जो है दीदी के हाथ के गुलगुले पसंद है सॉफ्ट सॉफ्ट, ठीक है। वैसे तो हम भी बना सकते हैं, हमें कोई मौका ही नहीं देता बनाने का। मैं बना नहीं, 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 नहीं आप ही बनाओगी, नहीं नहीं आप ही बनाओगी गुलगुले तो आप ही बनाओगी। बैटर तैयार हो गया, मुश्किल से मौका मिलता है कभी कभी खाने का, दूसरों के हाथ का खाना तो हम क्यों छोड़े मौका, ठीक है। आज हमें कब मिलेगा बना बनाया खाने का मौका? आपको हमेशा मिलता है मौका, बस त्योहारों पे हम आपसे बनवाते हैं। गुलगुले की बात हो रही है, गुलगुले गुलगुले तो आपके हाथ के। देखो मम्मी कह रही है ना कि ताई बनाती थी, जब मम्मी कहती है मम्मी की जेठानी बनाती थी गुलगुले पुए वगैरह जब मतलब इकट्ठे गाँव में रहते थे, तो अब जेठानी का मम्मी ने निकाला हुआ है देखो रूल, तो दीदी बनाएंगी है ना, दीदी के हाथ के गुलगुले खाएंगे आज। बैटर तैयार हो गया, बैटर तैयार हो गया, तड़का लग गया, फटाफट कढ़ाई चढ़ाते हैं और गुलगुले बनाते हैं। ये देखो जी छोले हमारे रेडी हो गए हैं बनके, अब तड़का लग गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं धनिया, अब ये डाल देंगे हरा धनिया। मेरे बेतु तो आज बोझ मात लग रहा है, आपको पता है कभी बेतु आप मम्मा ने ना आपके लिए फास्ट रखा है, आपने मम्मा को गिफ्ट तो दिया नहीं कुछ? अभी लाए पापा, लाए के पापा ले, फिर एक किच्ची दे दो, यही गिफ्ट है मेरे लिए तो। और पता है मैंने अनुष्का के लिए भी रखा है, अवनी के लिए भी रखा है और गर्वित के लिए भी रखा है, ठीक है तीनों के लिए रखा है, ठीक है ठीक है। चलो चलो अभी किचन में चलते हैं, अभी किचन में दे लिए खाना करना। अच्छा सब्सक्राइब कर देंगे, अपने आप कर देंगे सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो करने दो ना। लो जी नीलम दीदी जो है मम्मी को, मम्मी आज नीलम दीदी से तेल डलवा रही है और मैं जाती हूँ किचन में, गर्वित को कपड़े पहनाने आ गई थी, इसने जैकेट उतार रखी थी अभी बाहर साइकिल से लाई। तो बाय बाय, सब्सक्राइब करना तो बाय बाय, ठीक है। जब तक मैं खाना बना रही हूँ घूम लो, इसके जैकेट में उतारने दो बेटा, थोड़ी सी ठंडक हो गई है, मेरा दुपट्टा कहाँ है भाई, दुपट्टा ले लेते हैं और किचन में जाके आटा गूंथते हैं। ये देखो जी गुलगुले बन गए हैं, कुछ तो बन गए हैं, ये देखिए गोलगप्पे और कुछ ये बन गए हैं गुलगुले, गोलगप्पे नहीं बेटा ये गुलगुले होते हैं, सॉफ्ट बन रहे हैं वो नहीं है जो मतलब सही है, बहुत सॉफ्ट है वो नहीं है कि जो चबाते रहो रबड़ की तरह हो जाते हैं, ऐसे नहीं है इसके, इसकी भी ट्रिक है, ट्रिक आप अपने मुंह से बताइए जरा क्या ट्रिक है सॉफ्ट गुलगुले की। भाई ज्यादा लूज वो नहीं होना चाहिए, बेटर ये थोड़ा ऐसा रहना चाहिए, अगर जितना पतला होगा तो टाइट बनेंगे और अगर बहुत ज्यादा वो होगा इसको फेटना पड़ता है, अगर बिना फेटा हुआ आटा होगा तो फिर उसमें गांठ रहेगी, सॉफ्ट होंगे फेटने से। चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी मैं, ठीक है फिर कभी मम्मी का मन करेगा। तो अभी फ्रेंड्स ये हो गया शाम का टाइम और अब जो है बायना निकाल रहे हैं गुलगुले बनाए हैं, तो गुलगुले या मीठे पुए जो भी आपका मन करे बना के बायना निकाला जाता है, जो कि आप अपने बड़ों को दे सकते हो, मम्मी को, सास को दे दो, जेठानी को दे दो, ननद को दे दो, जिसको आपका मन करे मतलब जो भी अवेलेबल है उस समय पर उसको आप दे सकते हो। बायना निकाल के हम देंगे मम्मी को, उससे पहले हम आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, फिर ये देखिए बड़ी दीदी निकाल रही है, ऐसे बारी बारी से तीनों निकालेंगे और मम्मी को देंगे। ले जाओ बस में इतना ही था, देर आओ मम्मी अपना माल लेके चल पड़ी हैं, अब मम्मी दूसरी का नंबर आ गया, दूसरी का भी लेने आ जाओ फटाफट, आ जाओ बारी बारी से। और यहाँ पे ना मैं अपना वायना निकाल रही हूँ और मम्मी जो नीलम दीदी है ना वो शिवानी अभिषेक से वीडियो कॉल पे माता रानी के दर्शन करा रहे हैं, वो नहीं आए क्योंकि उनकी थोड़ा पढ़ाई का चक्कर था, तो इस चक्कर में वो नहीं आए, तो इसीलिए बड़ी दीदी ने भी और नीलम दीदी ने भी दोनों ने वीडियो कॉल पे जो है माता रानी के हाथ जुड़वा दिए बच्चों को। और अब जो है गर्वित अनुष्का अवनी की बारी, चलो 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 सारे के सारे हाथ जोड़ो अच्छे से,
हाँ हे होई माता, मेरे बच्चों को खुश रखना और इनको सद्बुद्धि देना। गर्वित जय कर दी आपने? गर्वित ने जय कर दी? हाँ, प्रसाद खा लिया? प्रसाद कैसा है? मीठा है। सो गाइस, अब तारों को पानी देंगे। और देखो तारा दिख रहा है। तारे निकल गए भाई? हाँ, एक ही निकला है तारा। तो नहीं, वो ऊपर देखते रहेंगे ना, फिर दिखते रहेंगे। नहीं, मेरे को तो एक ही दिख रहा है और कैमरे में भी एक ही दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो गया, तारे निकल आए हैं, अब हम जल दे रहे हैं और फिर उसके बाद अपना व्रत खोलेंगे। गुम्मी गुम्मी कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल हमने दे दिया, अब जो है खाना बना लेते हैं। अब बच्चों को खाना देते हैं, सब बच्चों को भूख भी लगी है। इसी के साथ अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ बाय बाय।